टी20 प्रारूप में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे महेंद्र सिंह धोनी को पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने बल्लेबाजी शैली में बदलाव करने का सुझाव दिया है। गांगुली का कहना है कि अगर धोनी को टी20 प्रारूप में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें अपनी बल्लेबाजी के तरीकों में बदलाव करना होगा। उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर धोनी को टी20 प्रारूप छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वहीं इन बातों से नाखुश कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री के बाद अब पूर्व कप्तान गांगुली भी धोनी के समर्थन में उतरे हैं। गांगुली ने कहा कि वनडे की तुलना में टी20 प्रारूप में धोनी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। मुझे आशा है कि इस बारे में कोहली और उनकी टीम धोनी से अलग से बात करेगी। उनमें अतुलनीय क्षमता है। अगर वह अलग तरीके से टी20 में खेलते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर सफलता हासिल होगी। पूर्व कप्तान गांगुली ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें वनडे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, लेकिन टी20 प्रारूप में उन्हें अलग तरीके से खेलना चाहिए। उन्हें बिना किसी दबाव में इस प्रारूप में अपना प्रदर्शन करना चाहिए। हालांकि यह चयनकर्ताओं पर निर्भर है कि वह किस तरह से धोनी को खिलाना चाहते हैं। राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में भारतीय टीम को 40 रनों से मिली हार के बाद भारतीय टीम में धोनी के शामिल होने पर सवाल खड़े होने लगे थे। दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण ने धोनी की स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट पर सवालिया निशान खड़े किए थे।